क्या आपको पता है धरती पर खुदा सबसे गहरा गड्ढा कौन है? यदि नहीं तो मैं आपको यह बता दूं कि यह रूस में कोला सुपर डीप बोर होल है जो 12 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है। अगर गड्ढों के गहराई से हटकर देखें तो गहरे होने के साथ साथ कुछ गड्ढे अपने विचित्रता के लिए भी जाने जाते हैं। मैं विद्युत भी आज आपको ऐसे ही 10 गड्ढों के बारे में बताऊंगा जो पृथ्वी पर मौजूद है। नंबर 10, चुकीकमाता, चिली। चुकीकमाता या चुकी विश्व में सबसे बड़ा कॉपर माइन है जो कि चिली के उत्तर में स्थित है। 1882 से चल रहे खनन और खुदाई की वजह से यह विश्व में धरती पर खुदे सबसे बड़े गड्ढों में शुमार है। 1915 में यहाँ बड़े स्तर पर खुदाई का काम शुरू हुआ। यह 850 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। नंबर 9, उदाचनया पाइप, रशिया। यह रूस के राज्य सखा रिपब्लिक में 600 मीटर से भी ज्यादा गहरा गड्ढा जहां हीरो का खनन होता है। 2010 में उदाचनया पाइप रशिया की कंपनी अलरोसा के हाथ में आ गई जो यहां पर अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए काम कर रही है। यहां पर हर साल 10.4 मिलियन कैरेट हीरे निकलते हैं और यहाँ पर 225.8 मिलियन कैरेट हीरो का भंडार भी है। नंबर 8, सिंक होल, ग्वाटेमाला। 2010 में ग्वाटेमाला के ग्वाटेमाला सिटी में एक 65 फीट चौड़ा और 300 फीट गहरा गड्ढा बन गया जिसकी वजह तूफान अगाथा, पकाया ज्वालामुखी का सक्रिय होना और पाइप्स के लीकेज होना बताया गया। इस घटना में 15 लोगों की मौत भी हुई। 2007 में भी यहां एक 330 फीट गहरा गड्ढा बन गया था जिसकी वजह सीवर पाइपलाइन का फट जाना बताया गया था। इस घटना में 5 लोगों की मौत भी हुई थी। नंबर 7, डायविक माइन, कनाडा। कनाडा के नॉर्थ वेस्ट में स्थित डायविक डायमंड माइन अपने गहरे गड्ढों और हीरों के लिए जाना जाता है। यहाँ लगभग 7 मिलियन कैरेट हीरे निकलते हैं। 2003 में शुरू हुए इस खनन की अवधि 16 से 22 साल तक बताई जा रही है। कनाडा के लैक डे ग्रास खनन क्षेत्र में स्थित यह 20 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंबर 6, मिर्नी डायमंड माइन, साइबेरिया। 525 मीटर गहरा और 1200 मीटर चौड़ा यह खदान रूस में स्थित है। साइबेरिया के मिर्नी इलाके में स्थित यह गड्ढा अब बंद पड़ा हुआ है। बेहद ही ठंडे इलाके में स्थित यह खदान 1960 में 2000 किलो हीरे सालाना निकाला करता था। इस खदान को अलरोसा नाम की कंपनी ने चलाया और 2011 में यह पूरी तरीके से बंद हो गया। नंबर 5, ग्रेट ब्लू होल, बेलाइस। 984 फीट चौड़े और 480 फीट यानी 146 मीटर गहरा यह सबमरीन सिंक होल बेलाइस के मेन लैंड से 70 किलोमीटर दूर है। ग्रेट ब्लू होल एक वर्ल्ड हेरिटेज भी है। यह विश्व में डाइविंग एवं टूरिज्म के लिए जाना जाता है। यह सिंक होल अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। नंबर 4, बिंघम कैनियन माइन, यूटा। 1.2 किलोमीटर गहरे और 4 किलोमीटर चौड़े इस खदान क्षेत्र में कॉपर, सोना, चांदी और मॉलिब्डेनम निकलता है। यह दुनिया में मनुष्य द्वारा खनन कर बनाया गया सबसे बड़े गड्ढों में से एक है। 7.7 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला यह क्षेत्र 1906 में चालू हुआ। यहाँ 17 मिलियन टन कॉपर, 715 टन सोना और 5900 टन चांदी निकलता है। यह यूएस में स्थित है। नंबर 3, मोंटिसेलो डैम, कैलिफोर्निया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित यह बांध में मौजूद अपने ड्रेन होल के लिए जाना जाता है। बॉटमलेस कहे जाने वाले इस होल की चौड़ाई 22 मीटर है। यह ग्लोरी होल के नाम से भी जाना जाता है और डैम में अधिक पानी हो जाने पर उन्हें बाईपास कर निकालता भी है। नंबर 2, किम्बर्ली डायमंड माइन, साउथ अफ्रीका। यह विश्व में मनुष्य द्वारा खोदा गया सबसे बड़ा होल माना जाता है जिसे बिग होल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस बात पर बहस छिड़ी हुई है। 1866 से 1914 तक 50,000 खदान कर्मचारियों ने इसकी खुदाई कर 2722 किलोग्राम डायमंड निकाला। 463 मीटर चौड़े और 240 मीटर गहरे इस गड्ढे को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिला है। नंबर 1, दरवाजा गैस क्रेटर, तुर्कमेनिस्तान। द डोर टू हेल, नरक के दरवाजे के नाम से जाने जाने वाला यह गड्ढा तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में स्थित है। 1950 में इसे सोवियत यूनियन ने
प्राकृतिक गैस भंडार पाने के लिए खोदा। इस होल की चौड़ाई 69 मीटर और गहराई 30 मीटर है। 2009 से यह एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।